आप सभी को जय मसीह। पिता परमेश्वर को प्रशंसा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद जो हम सभी को आज के अपतनी बप्तिस एसोसिएशन के संडे होम डिवोशनल सर्विस को करने का समय दिया। चलिए हम सब पवित्र बाइबल से एक वर्ष देखते हैं, रोमेंस चैप्टर 8:18। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय की दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाले हैं कुछ भी नहीं। आमीन। हम थोड़ा सा प्रार्थना करेंगे, आप सब साथ दीजिएगा। हे पिता परमेश्वर, प्रशंसा के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे समय के लिए जो आपने अपतनी बप्तिस एसोसिएशन के संडे होम डिवोशनल सर्विस में आपकी पवित्र बाइबल से एक दो वचन बोलने का मुझे मौका दिया, और साथ ही साथ आबा ईएस पास्टर अप्पा को भी धन्यवाद देता हूँ जो मुझे ये समय लेने का मौका दिया। हे प्रभु, अभी मैं पवित्र वचन को शुरू करने के लिए ये समय और मेरे शरीर तथा आत्मा आपके चरणों में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज का विषय यानी कि टॉपिक कुछ इस तरह है, प्रॉब्लम्स एंड ट्रायल्स आर नॉट डिस्टाइंड टू रेक यू बट इट इज द रीजन फॉर योर ब्लेसिंग। जो दुख तकलीफ हम सब पर आते हैं वो आपको गिराने के लिए नहीं है बल्कि आपको आशीष देने के लिए है। हम इंसान ये हमेशा कहते हैं कि ये दुख, ये तकलीफ, ये बीमारियाँ क्यों मेरे ऊपर ही आते रहते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, हमेशा मेरा ऊपर ही क्यों। और कभी कभी हम लोग ये भी सोचते हैं कि मेरा तकदीर या मेरा किस्मत ही खराब है, मगर हमारा दयालु पिता परमेश्वर हमें ये समझाते हैं कि अभी जो प्रॉब्लम्स, दुख तकलीफ, बीमारियाँ हम जो मिल रहे हैं, सह रहे हैं, वो आने वाला समय में वही हम सब के लिए आशीष होंगे, ब्लेसिंग होंगे। तो इसको चलो देखते हैं, रोमेंस चैप्टर 8:18 में। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाले हैं कुछ भी नहीं। आमीन। हमें प्रभु कहते हैं जो अभी आपके पास दुख तकलीफ हैं जो हमें दुखी करते हैं वो कुछ भी नहीं है जो आने वाला उस महिमा के साथ जो हमें दिखाने वाला है। और जो हम सभी दुख तकलीफ मिल रहे हैं वो हमारे पिता परमेश्वर की देन है ताकि हम सब उनके नज़रों में अच्छे बन सके और उस तकलीफ को हम अनुभव या महसूस कर सके और दुख दर्द से हम सीख सके। और तो और वो हमें सभी को अब तक बना रहा है, हम सब लोग को सेव अप कर रहा है, मोल कर रहा है, क्योंकि हम सब उनके हाथ के बनाया हुए और वो भी मिट्टी से। चलिए इस विषय में देखते हैं, अजय चैप्टर 64:8। तभी हे यहुवा, तू हमारे पिता हैं, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुवार है, हम सब तेरे हाथ के काम हैं। आमीन। हम सब मिट्टी से बनाया हुआ है और अभी भी हमें पिता परमेश्वर बना रहा है, हमें मोल्ड कर रहा है, हमें सेप अप कर रहा है ताकि हम सब अच्छा बन सके। और हमारे प्यारे पिता परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने का बाद
मैं उस तकलीफ से तुम्हें निकाल लेंगे। देखते हैं ये पास पीटर चैप्टर 5:10 में। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने आनंद महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उतारने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बुलंद करेंगे। हालेलुया। तुम्हारा थोड़े देर दुख उतारने के बाद, जिसको यीशु मसीह के नाम पे हमें बुलाया है, वही हम सबको ठीक कर देंगे और बुलंद और तकबर बनाएंगे। इसलिए प्यारे विश्वासी हों, जो हमें अभी दुख तकलीफ मिल रही हैं, वो आने वाले समय में हमारे लिए आशीष होंगे, ब्लेसिंग होंगे। इसीलिए हम सब ये दुख तकलीफ जो हमारा पिता परमेश्वर हम लोगों को आने वाला अच्छे के लिए हम लोग को बना रहा है, अब तक हम लोग को मोल कर रहे हैं, सेफ अप कर रहे हैं, ताकि हम लोग बाद में अच्छा बन सके। तो इसलिए हम लोग ये सब दुख तकलीफ को पिता परमेश्वर का देन बोल करके हम उससे कोऑपरेशन करेंगे, और अंत में आप सभी को हमारे पिता परमेश्वर आशीष दे। आमीन।